Hello guys, this is your friend Binita Verma. I welcome you all to my channel English Winglish by Binita Verma. English idioms, जो English language की तो जान है, पर हमारे लिए जी का जंजाल. पर अगर सही बात बताऊं, they are fun to learn. आज के इस वीडियो में, we will talk about some popular and funny English idioms, जो आपकी help करने वाले हैं to speak English better. तो guys, जानते हैं सबसे पहला idiom, ये है hold your horses. अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में आपको ये बात कहता है तो आप यहाँ वहाँ हॉर्सेस को ढूंढने मत लग जाइएगा, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग होता है टू टेल समवन टू स्लो डाउन और टू होल्ड ऑन. अगर आप इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ. होल्ड योर हॉर्सेस, वी हैवंट वॉन येट, सो डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. नेक्स्ट idiom इज एलिफेंट इन द रूम. अरे बाबा, एलिफेंट यहाँ कहाँ, और वो भी एक रूम में कैसे आ सकता है? घबराइए नहीं, ये एक idiom है जिसका मतलब होता है a huge and obvious problem that everyone avoids talking about. ऐसी कोई बहुत बड़ी problem जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है. Example के थ्रू आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. I don't want to ask the question, but it is the big elephant in the room. तीसरे पॉपुलर और फनी idiom को जानने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए. Just looking like a wow, so beautiful, so elegant. Just looking like a wow, so beautiful, so elegant. Just looking like a wow. है ना फनी, क्योंकि ये जो क्लिप है आज के टाइम पे वायरल हो चुकी है. इस क्लिप ने सबके दिमाग को घुमा के रखा हुआ है. It's so beautiful, so elegant, just looking like a wow. मेरे दिमाग में भी दिन रात ये गाना बजता रहता है. अगर आपको इस बात को इंग्लिश में बताना है तो उसके लिए एक idiom है जिसे हम कहते हैं ear warm. Ear warm, इसका मतलब होता है a catchy song or jingle or tune that you cannot seem to get out of your head. अब इसे थोड़ा example के थ्रू हम समझ सकते हैं. The looking like a wow song has earwormed its way into my head. हमारा नेक्स्ट idiom भी बहुत फनी है. ये idiom है monkey business. इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बंदर इकट्ठे हो गए और वो business कर रहे हैं. इसका literal meaning है behavior that is not acceptable. इसे हम example के through और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. The teacher suspected that there had been some monkey business going on while she was out of the class. हमारा नेक्स्ट idiom फनी होने के साथ साथ सरप्राइजिंग भी है, और ये idiom है go bananas, जिसका मतलब होता है to go wild और to go crazy with excitement और other extreme emotions. Example के थ्रू थोड़ा और अच्छे से सीख सकते हैं आप लोग. I will end up going bananas if I have to work in this office for one more day. तो देखा guys, तभी तो हम कहते हैं English is a funny language. But अगर मैं reality के बात करूं तो इन idioms के थ्रू आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं मिलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वहां इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ट्रूली अगर आप इन्हें सीखते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं. मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले. बाय बाय.